हे एवरीवन, क्या आपको पता है कि आप ये चॉकलेट और वनीला कपकेक दोनों एक ही बैटर में बनाकर तैयार कर सकते हैं बिना किसी झंझट, बिना किसी मेहनत के। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनकर तैयार होता है। तो इस केक में ना तो हम अंडे का यूज़ करेंगे, साथ ही इसे हम बिना ओवन के पतीले में बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ गैस पर एक बर्तन रखा है फ्री हीट होने के लिए। इसमें आधा कप के करीब नमक डाल देंगे। नमक को अच्छे से फैला लेंगे और इस पर एक स्टैंड रख देंगे। कवर कर देंगे इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में, ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। तो चलिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे ना, एक बॉल लेंगे और यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप गुनगुना दूध, इसे डाल लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे एक चम्मच विनेगर। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे साइड में रखेंगे 5 मिनट के लिए। और यहाँ पर लेंगे हम एक दूसरा बॉल जिस पर एक छन्नी रखेंगे। इसमें डालेंगे हम एक कप मैदा, साथ में डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। छोटी वाली जो चाय चम्मच आती है ना, आप उससे मेजर कर ले। तो यहाँ पर मैंने डाला है आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को हमें अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद हम क्या करेंगे, इसे वापस एक बार मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को, ताकि आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे साइड में रखेंगे और यहाँ पर एक दूसरा बॉल लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा किशमिश धोकर डाला है। इसे हम वेनिला केक में डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह नट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे एक चम्मच मैदे के साथ हमें अच्छे से कोट कर देना है। इस तरह से कोट करेंगे तो क्या होगा ना, जो किशमिश से वो नीचे जाकर बैठेगी नहीं, हर बाइट में इसका फ्लेवर आपको मिलेगा। तो चलिए, 5 मिनट के बाद ये जो मिल्क में हमने विनेगर डाल के रखा था ना, ये भी बटर मिल्क बन चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे मेल्टेड बटर 1/4 कप, साथ में डालेंगे आधा कप चीनी। तो मैंने यहाँ पर साबुत चीनी लिया है, आप चाहें तो इसे पीस कर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से चीनी डालने के बाद हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसे मिक्स करने के बाद जो हमने मैदे वाला मिक्सचर तैयार रखा है ना, ड्राई मिक्सचर, उसमें इसे डाल देंगे और इसे वापस से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है फिर से एक बार। तो यहाँ पे जो बैटर है ना हमारा, बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है। तो इस पॉइंट पर हम थोड़ा थोड़ा सा करते हुए दूध ऐड करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। दूध ऐड करके वापस से इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार है। आधे बैटर को हम अलग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और एक बैटर में डालेंगे हम कोको पाउडर 1 चम्मच भरकर, साथ ही थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स ऐड करेंगे और इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे क्योंकि कोको पाउडर डालने के बाद जो बैटर है वो थोड़ा सा थिक हो गया था। तो 2 से 3 चम्मच के करीब दूध ऐड करके इसे वापस से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, अब इसे हम बनाएंगे डिस्पोजल में। तो मैं यहाँ पर डिस्पोजल का यूज़ कर रही हूँ। बैटर को इसमें डाल देंगे, ऊपर से थोड़ा सा चॉकलेट चंक्स ऐड करेंगे। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना। तो चलिए, अब इसे हम साइड में रखेंगे और जो दूसरा बैटर है हमारा वनीला वाला, इसमें हम डालेंगे किशमिश जो हमने मैदे से कोट करके रखा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा किशमिश मैंने बचा कर रखा है, इसे ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालेंगे। तो किशमिश डालने के बाद वापस इसे मिक्स करेंगे और इस तरह से डिस्पोजल में फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर 3-3 कप हमारा तैयार हुआ है। थोड़ा सा ऊपर से किशमिश ऐड करेंगे और जो फ्री हीट होने के लिए बर्तन रखा था ना, ये बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इस तरह से एक एक करते हुए मैंने सारे ग्लासेस को इसमें अरेंज कर लिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम पर रखेंगे 30 से 35 मिनट के लिए। तो यहाँ पर केक को बेक होते हुए 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। कवर को हटा लेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, नाइफ जो है हमारा बिल्कुल क्लीन है। केक जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे बाहर निकाल लेंगे, चाकू से हल्का हल्का सा इसे सेपरेट कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। इस क्लास में ना तो मैंने ऑयल का यूज़ किया है, ना ही बटर पेपर लगाया है। बिल्कुल आसानी से ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए, केक जो है हमारा तैयार है। देख रहे हैं ना कितना सॉफ्ट, कितना फ्लफी बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो आप देख रहे हैं ना, बिना अंडा बिना दही के केक जो है वो कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। एक टाइम पर 2 डिमांड बहुत ही आसानी से आप पूरी कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो गाइस, आज की अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में।